Find the electric field at point P on the perpendicular bisector of a uniformly charged thin wire of length L carrying charge Q. The distance of the point P from the center of the rod is root 3 by 2 L. Okay. तो आपको क्या दिया, देखो यहाँ पर आपको बोला गया एक रॉड है, इस रॉड का लेंथ कितना है, L है, बिल्कुल एग्जैक्टली सेंटर से हम लोग ने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, इसका लेंथ कितना A है, दिस इज पॉइंट P. अच्छा, A का वैल्यू कितना दिया, रूट थ्री बाई टू L, तो A है आपका रूट थ्री बाई टू L. तो अगर मैं ये इसके एंड पॉइंट यहाँ पे कनेक्ट कर देता हूँ ऐसे, एंड ये वाला भी एंड पॉइंट कनेक्ट कर देता हूँ ऐसे, तो यहाँ पर देखो आपका हाइपोटेनस जो है उसका साइज़ क्या बनेगा, मान लो D है, तो वी कैन राइट अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस D स्क्वायर इज इक्वल टू L बाई टू का स्क्वायर प्लस रूट थ्री बाई टू L का स्क्वायर. तो इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, L स्क्वायर बाई फोर प्लस थ्री L स्क्वायर बाई फोर, मतलब क्या आएगा, फोर L स्क्वायर बाई फोर. यह है D स्क्वायर, मतलब D का वैल्यू क्या आपके पास, L है. तो एक्चुअल में D कितना है यहाँ पर, L, तो इसको लिखेंगे L. ये हो गया. तो उसके बाद हमें निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट P. तो देखो ये सारा कैसा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है, राइट. तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P कैसे आएगा, एक आता है परपेंडिकुलर कंपोनेंट एंड एक आता है पैरेलल कंपोनेंट. तो जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट है, परपेंडिकुलर कंपोनेंट कितना आता है, देखो ई परपेंडिकुलर का फॉर्मूला क्या होता है, के लैम्डा बाय आर साइन थीटा वन प्लस साइन थीटा टू, राइट. ओके, तो ये आ जाएगा के लैम्डा डिवाइडेड बाय आर. अच्छा, आर मतलब क्या, आपके पास ए है, साइन थीटा वन थीटा टू, थीटा वन थीटा टू मतलब ये वाला एंगल होता है थीटा वन एंड ये वाला एंगल होता है थीटा टू. अभी सॉल्व करो यहाँ पर, साइन थीटा वन क्या आएगा, देखो ये वाला इसका अपोजिट, अपोजिट क्या है, एल बाई टू, हाइपोटेनस क्या है, एल है, एल बाई टू बाई एल मतलब वन बाई टू एंड वन बाई टू, तो साइन थीटा आ जाएगा वन बाई टू प्लस वन बाई टू, थीटा टू भी सेम ही है. तो ये आ जाएगा फाइनली कितना है, के लैम्डा बाय ए. ए क्या मिला आपको, ई परपेंडिकुलर. हम लोग सॉल्व करते हैं अभी ई पैरेलल के लिए. ई पैरेलल का फॉर्मूला क्या होता है, के लैम्डा बाय आर कॉस ऑफ थीटा टू माइनस कॉस ऑफ थीटा वन. अभी यहाँ पर थीटा वन थीटा टू दोनों सेम है, तो ये क्या हो जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा. तो ई पैरेलल क्या है, ज़ीरो है, मतलब पॉइंट पी पे सिर्फ एक ही इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट करता है, वो कौन सा है, ई परपेंडिकुलर. एंड ई परपेंडिकुलर कितना है, के लैम्डा बाय ए. अच्छा, ऑप्शन देख लेते हैं हम लोग. अच्छा, क्यू के फॉर्म में, ओके. अभी ये के क्या होता है, देखो के होता है वन अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन नॉट, लैम्डा क्या होता है, क्यू अपॉन लेंथ होता है, एंड ए क्या है, ए तो आपको दिया है ना, रूट थ्री बाई टू इंटू एल. तो ये क्या क्या आ जाएगा, देखो ये होगा क्यू डिवाइडेड बाई फोर पाई एप्सिलॉन नॉट ऊपर वाला एल इंटू रूट थ्री एल डिवाइडेड बाई टू, ये टू टू चला गया, तो बचेगा क्या फाइनली, क्यू डिवाइडेड बाई टू पाई एप्सिलॉन नॉट रूट थ्री एल स्क्वेयर. तो ऐसा ऑप्शन देखो, q डिवाइडेड बाय टू रूट थ्री पाई एप्सिलॉन नॉट एल स्क्वेयर, ऐसा कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन सी इज़ अ करेक्ट वन, राइट.